दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको कुछ मैसेज देना चाहेंगे। तो मैसेज किस प्रकार की मैसेज ये आपको राजा बताएंगे, उसके बाद हम कुछ डिस्कशन करेंगे राजा से और आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, वही बीच बीच में सवाल पूछते रहेंगे। तो वीडियो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए, ठीक है, और शब्दों में मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, भावनाओं को समझिए, शब्दों पे मत जाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो राजा आपका क्या वक्तव्य है वो बताइए। पहले तो जर्नी एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि इसे शेयर करो, लाइक करो, कुछ भी। ये आपके लिए सिंपल एक मैसेज है, आप सिर्फ समझ लीजिए। इस महीने के 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को मैं बात कर रहा हूँ, 12 अक्टूबर देवाशीष ने एक वीडियो रिलीज किया है। रिलीज करते ही हम लोग निकल गए। देवाशीष एडिटिंग के विषय में सब कुछ देखते हैं, तो उन्होंने वीडियो रिलीज किया। तो मेरे मन में एक आशंका थी, मैं आशंका क्या थी अभी नहीं बताऊंगा। तो हम लोग तो अपने काम में व्यस्त हो गए, आप तो जानते ही हो, कंटेंट हमें, हम तो अपने से तैयार नहीं कर सकते ना, हमें जाना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है, देखना पड़ता है, शूट करना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है, आपके पास प्रस्तुत करना पड़ता है। उसी प्रकार हम अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में हैं, कहाँ है नहीं बोलूंगा, सस्पेंस। तो 14 तारीख को मेरे हाथ में 10-5 मिनट का समय था, स्टेशन में बैठा हुआ था, तो सोचा कि चलो देख लेते ये अपना स्टेटस क्या है। 12 तारीख को तो देवाजी ने एक वीडियो निकाला है, जिन्होंने वीडियो देखा नहीं मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे ये लिख के देता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप बहुत जन जो मित्र हमारे हैं ने नोटिफिकेशन मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अगर किया होगा तो इग्नोर कर देते हैं। तो उन्हीं के लिए मैं कहता हूं कि 12 तारीख को हमने एक वीडियो रिलीज किया है जिसका नाम है इंडियन रेलवे लाइफलाइन ऑफ इंडिया, लाइफलाइन ऑफ द नेशन, लाइफलाइन ऑफ द नेशन। तो हमने पाया, मैंने खासकर मैंने पाया कि बहुत से मित्र आए ही नहीं, देखने ही नहीं आए। क्यों ना, क्यों जर्नी एक्सप्रेस तो विजिट करने नहीं आया ना मुझे। जब जर्नी एक्सप्रेस विजिट करने नहीं आया तो मैं क्यों जाऊं। हर बार तो जर्नी एक्सप्रेस आता है, इस बार क्यों नहीं आया। 12, 13, 14 हम लोग अभी 18-19 तारीख तक डेट तक यहां पे रुकेंगे। तो इस बीच जितने भी आपके वीडियोस आएंगे तो हमारे लिए देखना असंभव हो जाएगा, हम जब घर लौटेंगे फिर से वो चालू हो जाएगा। लेकिन वो तो बात की बात है, बात की विषय यह है कि हमने पाया कि बहुत से मित्र नहीं आए। क्यों नहीं आए ना, जर्नी एक्सप्रेस ने तो उनको विजिट किया नहीं। जर्नी एक्सप्रेस विजिट नहीं किए तो हम भी नहीं करेंगे। मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, हमारे, मैं पहले थैंक्स बोलना चाहता हूं उन सारे चैनलों को, उन सारे मित्रों को जो एनी हाउ हमारे साथ बने हुए हैं, जो हमें लॉयल सब्सक्राइबर फ्रेंड, लॉयल एकदम लॉयल, ऑनेस्टली जैसे हम अपने मित्रों के प्रति लॉयल है, वही हमारे प्रति लॉयल है। लेकिन ऐसे भी बहुत है जो मतलब हमें लगता है कि दया करते हैं हमसे। हाँ हंस मत यार, सही बात बोल रहा हूं। अरे मैं विजिट किया, ठीक है ना, सोच तूने आज एक वीडियो डाला, ठीक है ना, अब जिनको देखना है वो तो देख ही लेंगे, ठीक है ना, बॉब क्रिस सर है, टॉकिंग विस्कीज है, तो देख ही लेंगे। लेकिन परहेज मुझे तब हो जाता है जब हमारे अपने देश के लोग
अपने देश को नहीं जानना चाहते यार। हाँ मैंने देखा है कि हमारे देश में बहुत सारे जगह है, उस जगह को जानने के लिए कोई उत्सुकता नहीं है, उनके अंदर कोई कुछ भी उत्सुकता नहीं है। मैं मानता हूँ, मैंने देखा है, फील किया है, राजा सही कह रहा है। मतलब आज अगर देवाशीष कोई वीडियो डालता है, यानी मेरे हिसाब से हमारा वीडियो पहले आया, यानी आप लोगों को देखना चाहिए, तब मैं आपको विजिट करूंगा। यही आपके साथ होता है, यही आपके साथ होता है। 14 तारीख से ये पहली ऐसा वीडियो है जिस वीडियो में हमने किसी को विजिट नहीं किया। कारण इस कारण क्योंकि हम लोग आउट ऑफ स्टेशन है, अभी टूर पे निकल गए, टूर पे निकले हैं। यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम रह जाता है, हर समय वाईफाई नहीं मिलता है, वाईफाई मिलता भी है तो रात को हम लोग इतने लेट पहुंचते हैं कि मतलब रात को ट्रेन में निकलना पड़ता है, ढाई तीन बजे ट्रेन पकड़ना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। हाँ, फिर शूटिंग विषय है, उनको फिर लैपटॉप में ट्रांसफर करना पड़ता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, उसके लिए देखना असंभव हो जाता है। तो मैंने देखा कि वहां पे नोटिफिकेशन में बहुत सारे हैं कि उनके नोटिफिकेशन आए मेरे पास, लेकिन हमने तो 12 तारीख को दे दिया था, 13 तारीख चला गया, 14 तारीख चला गया, ये भी आपने देखा नहीं, क्यों? अच्छा नहीं लगता। लेकिन कमेंट में तो आप लोग बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया बात लिखते हो, दिल तो एकदम बाग बाग हो जाता है। अरे बात क्या क्या मतलब ऐसी ऐसी बातें, मतलब हम लोग खुद ने इतनी अच्छी वीडियो बनाई हमने, हम लोग खुद सोच में पड़ जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा ही है तो 10 सेकंड क्यों देखते हो, 8 सेकंड क्यों देखते हो, 3 सेकंड क्यों देखते हो? उस दिन एक चैनल आया हमारे पास, बांग्लादेश का एक चैनल है, उन्होंने हमसे पूछा कि अरे भाई आपको मैं अभी अपने चैनल में क्यों नहीं देख पा रहा हूं। सोचिए, जो हमारे आज तक हमने अभी तक 43 वीडियो डाला हुआ है, मेरे ख्याल से एक दो वीडियो के अलावा उन्होंने कभी अपना शक्ल या अपना कमेंट दिखाया नहीं हमें। वो अचानक आते हैं कि हमसे डिमांड करने लग जाते हैं कि अरे आपको मैं अपने कमेंट अपने वीडियो में क्यों नहीं रेगुलर पा रहा हूं। रेगुलर मैं ही बनू क्या आपके लिए हर समय? आपको नहीं बनना है, हर समय जर्नी एक्सप्रेस ही मोबाइल लेके बैठा है। आप लोग तो हर दिन वीडियो डालते रहते हो, जो खासकर रसोई वाले हो या दूसरे वाले भी हो, मैं खासकर इंडियन की बात कर रहा हूं। आप लोग तो जो रसोई में हो ना, वो तो एक दिन तो वीडियो आ ही जाता है, वीडियो डाल चुके। तो ठीक है, आपका अगर एक दिन में आपका 3 या 2-3 वीडियो आ गया तो मैं कम से कम तो एक तो या दो तो विजिट करता ही हूँ। हर बार विजिट करना असंभव हो जाता है, कामकाजी आदमी है भाई, कैसे करे, फिर भी समय निकाल कर लेते हैं। मैं चेष्टा करता हूं कि हर बार अपने मित्रों को 50% या 60% तक का व्यू दे दूं, संभव हो सके जितना संभव हो सके मैं दे दूं, नहीं हो पाता मैं मानता हूं 100% शायद नहीं देख पाता। अच्छा लगा तो देख भी लेता हूं, ऐसा नहीं है, अच्छा लगा तो देख भी लेता हूं, या मैं देवाशीष को बोल देता हूं कि आप देख लो, वो देख लेता है बीच बात में। लेकिन हमने पाया 10 मिनट का अगर का कोई वीडियो निकलता है, 7 मिनट का कोई वीडियो निकलता है, मतलब एवरेज अगर यहां चला गया तो मतलब एवरेज उसके बाद जैसे ही कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं, मतलब यू चला आता है, क्यों? अच्छा नहीं लगता क्या वीडियोस, कंटेंट अच्छा नहीं लगता आप लोगों को? अगर अच्छा नहीं लगता तो मत देखिए, क्या जरूरत है विजिट करने की? आप विजिट करते हो, मान लीजिए 3 जन 10 जन में से 3 जनों ने पूरा देखा और 7 जनों ने उस 10 मिनट के वीडियो को कुछ सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 55 सेकंड या 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट से भी कम देख के छोड़ दिया,
तो YouTube में उसका क्या इफेक्ट होगा? YouTube यही समझेगा कि वीडियो में कोई दम नहीं है, मैं दम की बात कर रहा हूं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए हमारा जो विषय है, इस विषय को ट्रैवल कहते हैं, आप तो पता ही है आपको कि ट्रैवल के विषय में हम वीडियो डालते हैं। तो ट्रैवल एक ऐसा विषय है जो हर रोज हम डेली वीडियोस नहीं डाल सकते, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। कभी एक जगह पे टूर करने के लिए जाते हैं, वीडियो कलेक्ट करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, एडिटिंग करते, उसके बाद ही हम डाल सकते। एक दिन में 3-4 वीडियो हम नहीं डाल सकते। और एक बात है, ट्रैवल का जो विषय है वो ऐसा एक विषय है, 5 मिनट में एक जगह का पूरा दिखाना पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ वीडियो ऐसा ही हो सकता है कि 20-40 मिनट का भी वीडियो आ सकता है, लेकिन 20-40 मिनट वीडियो जब आता है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो विषय होता है, इसके लिए वीडियो बड़ी होती है। और 40 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, यही देख के छोड़ देते हैं सब। कैसा लगता है? बहुत चलो। इससे क्या होता है, जो लोग हमें वॉच टाइम ज्यादा देता है और जो लोग वॉच टाइम कम देता है, जो लोग वॉच टाइम कम देता है उसके वजह से जो लोग वॉच टाइम ज्यादा दे चुके हैं उसका जो एवरेज रेट है वो घट जाता है, इससे दिक्कतें होती है। वो मैं आप गलत मत समझिएगा, मैंने बहुत जनों को देखा है जिनके सब्सक्राइबर 5000 तक पहुंच चुके हैं, 5000 तक व्यूज आ रहे हैं, 200, 300, 250 एक महीने में, ज्यादा से ज्यादा 500। क्यों, आपने कभी सोचा भी है इस बारे में? हम तो अगर हमारे व्यूज कम हो जाए तो हम लोग सर पीटना शुरू कर देते हैं, कहां गलती हो रही है हमसे, कहां गलती हो रही है। और मैं जब ये डिस्कस करता हूँ देवाशीष से, कह रहे यार 5000 जिनके सब्सक्राइबर है, 8-10 हजार जिनके सब्सक्राइबर है, व्यूज देख क्या आ रहे, मतलब कहीं ना कहीं आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो अपने मित्रों से, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आज हमें कनेक्ट होना पड़ रहा है आपसे इस विषय में। बड़ी दुख की बात है, नहीं चाहते हम लोग ये सब करना, यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर अच्छा नहीं लगे आपको, सच्ची अच्छा नहीं लगे, तो नाइस क्या चीज होता है, एक शब्द नाइस। और बहुत से ऐसे हैं जिनके स्पैम में चले जाते हैं। हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जब किसी के कमेंट में स्पैम में चला जाता है तब वो विजिट करता है, अरे क्या बात, तब वो लिख देता है फॉर योर इंफॉर्मेशन योर कमेंट हैज गॉन टू स्पैम। क्यों, तभी आना होता है क्या? यानी आप नोटिस कर रहे हो, स्पैम मतलब आप यूट्यूब को समझते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो। हम तो मार्च महीने में यूट्यूब से शुरू, इस अक्टूबर सॉरी हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ है 2018 के मार्च, लेकिन हमने यूट्यूब को ऊपर से नीचे तक पढ़ा हुआ है, जानते हैं क्या है नहीं है, समझते हैं, इसीलिए हम सबको विजिट देते हैं। क्यों, एक एक व्यूज का महत्व होता है, वॉच टाइम का महत्व होता है। आप जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ा लो, 1 लाख बढ़ा लो, 2 लाख बढ़ा लो, 5 लाख बढ़ा लो, व्यूज जब तक नहीं आएंगे तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जिनके सब्सक्राइबर ना होते भी व्यूज आ रहे हैं वो आप जानोगे, वो असली व्यूज आते हैं उसमें, उनमें दम है। क्यों, देखते हैं, पसंद करते हैं। आप लोग शायद पसंद नहीं करते हो लेकिन बढ़िया कमेंट लिख देते हो, पसंद नहीं करते हो तो मत लिखो। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, मत लिखो। अगर कमेंट लिखना है तो पूरा वीडियो देखो, ऑनेस्टली लिखो ना। जैसे हमारे बहुत से सब्सक्राइबर वो क्या समझे वीडियो को देख के, वो लिखते हैं आपने एक नाइस लिख दिया। ऐसा भी हुआ है कि वीडियो अपलोड हुआ उसे 5 सेकंड के अंदर नाइस आ गया, स्टंड, मैं तो स्टंड हो गया देवाशीष ने जब मुझे बोला। पता है राजा क्या हुआ, मैंने अपलोड किया, 5 सेकंड का एक कॉमेंट आ गया नाइस। अब 5 सेकंड के अंदर कौन समझ जाता है कि वीडियो में क्या है नहीं है, कितने आप बोल पाओगे कि हमने इस, मैं नहीं जानता आज 15 तारीख है ना, 15 तारीख तक आपने ये वीडियो, हमारे लास्ट वाला वीडियो देखा है कि नहीं, लेकिन आप कितने जन बोल पाओगे कि हमारा वीडियो प्रिसाइज सेकंड जो मैसेज दिया हुआ है कितने मिनट में दिया हुआ, बोल पाओगे आप लोग? अगर आप देखे हो तो बोल पाओगे, नहीं देखे हो तो नहीं बोल पाओगे।
क्या लिखा हुआ बोल पाओगे? देखे हो तो बोल पाओगे, नहीं देखे हो तो नहीं बोल पाओगे। समझ पाओ, समझ समझाओगा आपने क्यों हमने वो लाइन लिखा, सेंटेंस टैग लाइन टाइटल क्यों लिखा? हम तो बहुत कुछ दिखा सकते थे, नाइट रेल फैनिंग हावड़ा डिपार्चर अराइवल बहुत कुछ लिख सकते थे, नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? हम पल्स को फील करवाना चाहते हैं, फील कीजिए आप पल्स को। इस प्रकार से और वीडियो आगे सामने आएंगी तब क्या लिखोगे? नाइस। पल्स को समझो क्यों ये जर्नी एक्सप्रेस ऐसा वीडियो दे रहे, कुछ तो इसमें बात है ना, मैसेज रहता है उस हर वीडियो में, मैसेज को समझा कीजिए, पढ़ा कीजिए। बस यही बताना था आपसे, पहले ही बात कहा था मैंने आपसे, शब्दों में मत जाइएगा, भावनाओं को समझिए, बस भावना। अगर आपके मन में भी कोई पढ़े जाए बताइए, कोई हमें परहेज नहीं होगा सुनने में। कमेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे कमेंट में बताइए, कोई परहेज नहीं होगा उसको पढ़ने में, उसको जवाब देने में। देवल जी आप क्या कुछ कहना चाहते थे ना मध्य प्रदेश के बारे में? यही कहना चाहते हो, बहुत मैंने पहले हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने हमसे कहा था कभी एमपी भी आई, तब हमने भाई साहब पापी कोंडालू और आड़ाकू का वीडियो डाल रहे थे, तो हमने सोचा मैंने राजा से बीच में उनका एक और मैसेज आया था, बीच में भी मैसेज आया था एमपी आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो राजा से मैंने डिस्कशन किया चल एमपी का टूर करते, तो अक्टूबर में ठीक हुआ एमपी का टूर करेंगे, तो फिक्स था पहले से ही, तो मैसेज पढ़ने के बाद ही हमने फिक्स किया। तो अच्छा लगा, हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था एक अभी एमपी भी आई है चल एमपी का टूर करते, यही डिस्कशन हो चुका था राजा के साथ, प्लान भी किया था हमने। तो जब 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 दिन नजदीक आने लगे तब तब तो बंगाल में आप सुन चुके होंगे तितली का एक प्रभाव है, तो उसके वजह से मैं उस सब्सक्राइबर फ्रेंड को मैंने मैसेज भेजा था ये एमपी के वेदर कैसा है, क्योंकि आप एमपी में रहने वाली हो और एमपी के बारे में हमसे ज्यादा जानती हो, तो इसलिए लॉयली एक पूछा था अगर आप एमपी के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो तो हमें सुविधा होगी, जर्नी करने में सुविधा होगी। तो एक मैसेज एक हेल्प ही मांगा था उससे, तो उसे वो हेल्प वो मैसेज नहीं आया, तो कोई बात नहीं, शायद कोई प्रॉब्लम होगी उनसे, हो चुकी है शायद, इसलिए समझा ठीक समझा कि मैसेज नहीं देना ही ठीक समझा उन्होंने। तो बात ये कि एक मैसेज देने से क्या होता है, हेल्प ही तो मांगा है, सिर्फ एक मैसेज ही देना है, इससे कोई पैसा नहीं कटेगा, टाइम नहीं जाएगा, हेल्प ही तो मांगा था। क्योंकि ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एमपी का वेदर और पश्चिम बंगाल का वेदर दोनों अलग है, एमपी में आके थोड़ा बहुत तकलीफ हो रही थी क्योंकि गर्म कपड़े हम साथ में नहीं लाए थे, रात को ठंड बढ़ जाती है पता नहीं था हमें, तो इसलिए पूछा था एमपी का वेदर कैसा है, अगर आप बता देते तो अच्छा होता। तो बहुत जगह में ऐसा हुआ कि ठंड इतनी बढ़ चुकी थी, गर्म कपड़े नहीं थे, बहुत से दिक्कतें हो रही थी, खासकर ट्रेन में। तो हमने सोचा पश्चिम बंगाल में जैसे ही गर्मी रहता है, एमपी में शायद रात को इतनी गर्मी रहता है, तो जो ये बात मुझे खराब लगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो में एक मैसेज देने से क्या होता है, एक मैसेज देने से तो कुछ नहीं होता, सिर्फ तो एक रिप्लाई मांगा था आपसे और कुछ नहीं कहना आपसे। ठीक है, बने रहिएगा और देखिए, आप लोगों को अच्छा लगता हो तो विजिट कीजिए, ना लगता हो तो आपकी मर्जी। इसमें अंत में वही बात कहता हूँ, शब्दों पे मत जाइए, भावनाओं को समझिए और देखते रहिए जर्नी एक्सप्रेस।